हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो बच्चों, हमने वर्णमाला के अक्षर क, ख और ग सीखे थे। तो इसके बाद आएगा घ, घ से घर। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये है घ से घर। तो ये क्या है बच्चों? घ से घर है। तो ये घ कैसे लिखना है बच्चों? तो यहाँ पे देखो जरा, ये हो गया एक कर्व हमने निकाला यहाँ पे। तो इसके बाद और एक कर्व हमने निकाला और उसको सीधी लाइन जोड़ दी। क्या किया? दो कर्व हमने ऐसे निकाले उल्टे, हाँ, और इसको ये सीधी लाइन जोड़ दी। तो ये बच्चों क्या हो गया? घ से घर, घ से घर। तो ये घ अक्षर बच्चों आपको आपके नोटबुक में पूरा पेज भर के ये घ से घ अक्षर निकालना है और उसकी वीडियो मुझको भेजनी है। और यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अंक लिखे थे। कहाँ तक अंक हुए थे हमारे? 8 तक हुए थे। आज हम नए दो अंक सीखने वाले हैं, 9 और 10। तो ये 9 भी कैसे लिखना है? एक छोटी सी गांठ देके, ये देखो हमने यहाँ पे ये सीधी लाइन हो गई और ये एक एक है और ये हो गया एक गोल। तो ये हो गए 10, 9 और 10। ये दो अंक हमने आज नए सीखे हैं। तो ये दो अंक आपको लिखने हैं और ये घर से घर ये पूरा पेज भर के लिखना है। तो मेरे साथ आप लोग फिर से ये अंक बोलो बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ऐसे ही ये अंक बोल के इसका ऑडियो मुझको आपको भेजना है बच्चों, और ये घर से घर पूरा पेज भर के निकालना है। और एक अक्षर आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, ये हो गया घर से घर और इसके बाद क्या आता है देखो, ये सीधी लाइन हो गई। एक कर्व निकाला और इसके बाद और एक कर्व हमने यहाँ पे निकाला और यहाँ पे छोटा सा ये डॉट दिया। तो ये आपको किस कैसा दिखता है? ये ड जैसा दिखता है, लेकिन हम इसको ड नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलना है बच्चों? न, न। ये नाक में से आवाज निकालनी है, न। तो आज हमारा ये क से न तक ये पूरे अक्षर हमारे आज पूरे हो गए हैं। तो एक बार फिर से आप लोग देखो, तो इसका रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों? तो यहाँ पे देखो, हमारे कितने अक्षर पूरे हो गए? क से हमने शुरुआत की थी वर्णमाला की, क से शुरुआत की थी, क, ख, ग, घ और ये हो गया न। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गदा, ग से गदा, घ से घर, घ से घर, न, क, ख, ग, घ और न। तो आज का आपका होमवर्क है ये घ से घर पूरा पेज भर के निकालना है। उसके बाद ये न से न, ये भी पूरा पेज भर के निकालना है। और आज हमने नए अंक सीखे थे 9 और 10। तो पूरे 1 से 10 तक अंक आपको लिख के मुझको भेजने हैं बच्चों। ओके, ठीक है, थैंक यू।